जब भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारियों ने अपने देश की आजादी के लिए जान तक दे दी थी, राम प्रसाद बिस्मिल के निर्देशों पर भगत सिंह और सुखदेव ने आजादी के बारे में पंडित चंद्रशेखर जी से मिलने जाते हैं। पंडित जी कहाँ है? पता नहीं, ये कहीं अंग्रेजों की चाल तो नहीं? तुम यही रुको, हम देखकर आते हैं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? एक क्रांतिकारी। चुपचाप अपना नाम बताओ वरना गोली मार दूंगा। पंडित जी ये भगत है। ओ, तो पहले बताना चाहिए था ना, वरना यही शहीद हो जाते। पंडित जी, देश की आजादी के लिए पैदा हुए हैं, शहीद भी होगे तो कोई गम नहीं है। आजादी आजादी आजादी, तुम जानते हैं क्या आजादी के बारे में? तुम आजकल के नौजवान तो बस आजादी के नारे लगाना जानते हो। पंडित जी, आजादी इस देश के हर एक नागरिक का अधिकार है, और हम उस अधिकार को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम एकजुट होकर एक क्रांति करें। शाबाश भगत, इस देश को तुम जैसे नागरिकों की जरूरत है। आओ, आज हम अग्नि को साक्षी मानकर ये शपथ लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो कल हम आजादी के आंदोलन की पहली शुरुआत करेंगे, छोटी सी शुरुआत। आलू ले लो आलू सस्ते आलू। यही है वो कमांडर, चलो इसे मारने से ही आजादी की शुरुआत करते हैं। चले जाओ, मैं इन सबको देख लूंगा। तुम एक हिंदुस्तानी हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। अंग्रेजों का साथ छोड़ दो, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। माँ, अब तो कुछ खा लो, बीमार हो जाओगी। बेटा, खाना तो तब खाऊंगी जब भगत आएगा। माँ, कुछ खा क्यों नहीं लेती? बीमार हो जाओगी। मेरी बीमारी छोड़, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, बस आखिरी इच्छा पूरी कर दे, तू जसप्रीत से शादी कर ले। पर मैं पर कुछ नहीं, रुक मैं तेरे लिए लस्सी लाती। जसप्रीत, मैं ये नहीं कहता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों जी? मैंने अपनी दुल्हन चुन ली है। क्या? कौन है वो? किसकी बेटी है? वो भारत माता की बेटी है, और उसका नाम आजादी है। ये भगत, भाग जल्दी भाग। क्या हुआ? क्योंकि पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया है कि हमने कमांडर का खून किया। जल्दी भाग भगत। जसप्रीत, तुम अपना और माँ का ख्याल रखना, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। पकड़ लो इन सभी को, ले चलो इन सभी को। अरे, भगत और सभी साथी कहाँ चले गए? पंजी, भगत व साथियों को पुलिस पकड़ लेगी। क्या? हाँ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। पकड़ लो इसको, ये उनका चौथा साथी है। हे भारत माता, मैं इस जन्म में बस तुम्हारी इतनी ही सेवा कर सका हूं, मुझे माफ कर देना।
मैं पैदा भी आजाद हुआ था और आजाद ही मरूंगा। तुम बनोगे क्रांतिकारी? हाँ बनूंगा। आजादी चाहिए तुम्हें? चाहिए आजादी। ले चलो इन्हें साथ में। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे आज रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? क्रांतिकारी भाई एक बार गले मिलना चाहते हैं। इनकी हथकड़ियां खोल दी जाए। बंदे मातरम, बंदे मातरम, इनकी हथकड़ियां बांध दी जाए। भारत माता की जय। दोस्तों हम भूल चुके हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे कई अन्य क्रांतिकारियों ने इस देश के प्रति अपनी जान न्योछावर कर दी। आज फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि हम फिर से गुलाम बन जाएं। अगर यदि इस देश में एकता ना हो तो फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हिंदुओं में बू रहेगी जब तक ईमान की, हिंदुओं में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की।